एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं आर्टिकल द और उसका एडवांस लेवल। जिन्होंने बेसिक लेवल नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, वो प्लीज पिछले वीडियो पे जाकर जरूर देखें। ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और वीडियो देखें जाकर के। और चलिए शुरू करते हैं लर्निंग इंग्लिश विद अजय सर। भाई, हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं उस क्वेश्चन से जो मैंने आर्टिकल द की बेसिक वीडियो में लास्ट में छोड़ा हुआ था। और वो क्वेश्चन था, MS Dhoni is the cooler of the two captains। और हमारा पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर टू से पहले द क्यों आया और कूलर से पहले द क्यों आया, ये हमें समझना है। तो चलिए समझते हैं। हमारा पहला लॉजिक क्या कह रहा है? सिलेक्शन के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? सिलेक्शन के बारे में। कैसे? वन ऑफ द फाइव बॉयज, पांच में से एक लड़का। तो पांच में से मैंने एक को क्या किया? सेलेक्ट किया। अब आप वापस मेरे इंग्लिश वाले उस सेगमेंट पे ध्यान दो। मैंने बोला था वन ऑफ द फाइव बॉयज। फाइव हमारा नंबर, बॉयज हमारा प्लूरल नाउन। तो फाइव से पहले हमने क्या लगाया? द लगाया। लेकिन फिर इसमें सिलेक्शन की बात कहां से आई? सर उस द के पहले ऑफ भी आया। यही हमारा पहला जो लॉजिक है वो यही है कि ऑफ और नंबर के बीच में हम द लगाएंगे अगर उस नंबर के बाद में हमारा प्लूरल नाउन है और हम इससे सिलेक्शन करें। ऑफ द टू ब्रदर्स, दो भाइयों में से जो भी हम इसकी बात करें उसको सेलेक्ट करें। तो ऑफ प्लस नंबर प्लस प्लूरल नाउन, तो उस नंबर से पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और जल्दी समझ में आएगा हमें। ये लिखा हुआ है वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज इन द हॉल। हमें ध्यान किस पे देना है? तो भाई देखो, ये फाइव लिखा हुआ है नंबर, ये मेंबर्स हमारा लिखा हुआ है प्लूरल नाउन, लिखा हुआ है ऑफ। कितना सेगमेंट हमें देखा, ये नंबर से पहले हमने क्या लगाया हुआ है? द लगाया। वन ऑफ फाइव नंबर्स को तो गलत होगा, वन ऑफ द फाइव। ठीक है, ऑफ प्लस नंबर हो तो बीच में हमने क्या लगाना है? द लगाना। इतना क्लियर हो गया? चलो अगला एग्जांपल, ऑफ प्लस नंबर है, बीच में हमने क्या लगाया? द लगाया। लगाया नहीं लगाया? अगला एग्जांपल देखो, द सेम। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें नंबर तो यहां पे दिखाई दे। दो छोटे से लॉजिक पे ये नाउन में मैं बताऊंगा अभी वापस से आपको। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, यानी कि ये हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लें कि भाई दो या दो से ज्यादा है। स्टूडेंट्स मतलब ज्यादा होंगे, एक से तो ज्यादा होंगे तभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ना। तो ये हिडन है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन दो या दो से ज्यादा है। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? द। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ ब्रिलियंट लिखा हुआ, तो भाई एडजेक्टिव तो लगा ही सकते ना। जैसे यहाँ पर टू ब्रदर्स लिखा, मैं कहता था ऑफ द टू स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स, तो स्ट्रॉन्ग से हमारा कोई असर नहीं पड़ता, एडजेक्टिव से कोई असर नहीं पड़ता, ब्रिलियंट से हमारा कोई असर नहीं पड़ता। ऑफ द स्टूडेंट्स, मेन चीज ये थी हमारी, ऑफ द स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो भाई अगले लॉजिक पे चलते हैं कि सर कूलर से पहले क्या द क्यों आया? आपको ऑफ प्लस द प्लस नंबर पता चल गया, ऑफ और नंबर आया तो बीच में द लगा दिया, ये सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हमने किया डिग्री का इस्तेमाल कर, जैसे वहां पे वन लिख रहे थे, टू लिख रहे थे, लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, इस बार किसका इस्तेमाल किया हुआ है? डिग्री का इस्तेमाल। वन नहीं आया होगा वहां पे, बेटर आया वहां पे, टू नहीं आया होगा वहां पे, कुछ मोस्ट पावरफुल या इस तरह से आया। ठीक है, वो जरा देख लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ में कि भाई डिग्री आई है, फिर ऑफ आया है, फिर नंबर आया, तो ऑफ और नंबर के पहले क्या लगा? बीच में क्या लगा? और ऑफ से पहले जो डिग्री लिखी है उस डिग्री से पहले भी हमने क्या लगाया? क्या लगाया? कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज है कि सर ये डिग्री क्या है हमें नहीं पता है, ये कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या हमें नहीं पता है, बच्चे सुन लो, एडजेक्टिव्स तीन डिग्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। किसी एक इंसान की बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री, ही इज अ गुड मैन। जब दो लोगों की बात होती है और दोनों से बताना हो तो कोई एक ज्यादा अच्छा या ज्यादा खराब है तो कंपैरेटिव डिग्री, ही इज अ बेटर पर्सन या ही इज बेटर देन रजत। दोनों की बात होगी ही और रजत। अब सुपरलेटिव डिग्री तब आती है जब दो से ज्यादा लोग, तीन चार, तो उसको हम बाकी एडजेक्टिव्स में देखेंगे। फिलहाल डिग्री वर्ड हमें समझ में आ गया।
लॉजिक वापस से देख लीजिए, ऑफ प्लस नंबर को बीच में था। अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग डिग्री के साथ में, तो डिग्री से पहले भी था। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल मैं एम एस धोनी वाला ही लूंगा, क्योंकि वही हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो ये देखो ऑफ और टू के बीच में तो आया, क्योंकि ऑफ और नंबर के बीच में क्या लगाया, लगाया सिंपल है। अब ऑफ से पहले हमारा लगा हुआ है डिग्री, कूलर, कूल, कूलर, कूलर्स होता है, तो कूलर से पहले तुमने क्या लगाया, घंटा लगाया, ये लिखा हुआ है ऊपर, इजंट दैट सिंपल। चलो भाई अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ऑफ द एट फ्रेंड्स सुजॉय इज द स्मार्टेस्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा सा ना ऑफ द इधर लिखा हुआ है और द स्मार्टेस्ट इधर लिखा हुआ है। तो बच्चे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बात लेंगे आइए से शुरुआत करेंगे या डिग्री से पहले आएंगे तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, लॉजिक वही रहे। अभी आप अगला एग्जांपल देखेंगे, इसी सेंटेंस को सेकंड वाले सेंटेंस को घुमा के लिखा हुआ है प्रॉपर। कैसे लिखा है देखो, सुजॉय इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द एट फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है ना, स्मार्टेस्ट डिग्री होगी हमारी स्मार्ट की, ऑफ हो गया। इसी को एक और तरीके से लिखा था मैंने ऊपर लिखा हुआ, यानी अगर आप एमएस धोनी वाला सेंटेंस ट्राई करना चाहते हैं तो देखो ऑफ से शुरू करोगे, बनेगा ऑफ द टू कैप्टन्स कॉमा एमएस धोनी इज द कैप्टन्स। तो ये लॉजिक जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है दो तरीके से लिखा हुआ है, ऑफ से भी शुरू कर सकते हैं, बाद में डिग्री और द का इस्तेमाल करेंगे या द प्लस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो ये रहा हमारा ऑफ, इजीली समझना एकदम, ऑफ और ये रहा टू नंबर, बीच में क्या आ गया, द आ गया। मोर पावरफुल क्या है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, दो की बात करें मोर पावरफुल हमारी कंपैरेटिव डिग्री, बट डिग्री से बोला क्या लगाया है, द लगाया है। चलो अब आते हैं लॉजिक नंबर तीन पे, लेकिन इस लॉजिक पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। लॉजिक नंबर तीन क्या कह रहा है, द प्लस बिल्डिंग मेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस टर्म्स एंड कंडीशंस इफ विजिटेड फॉर अदर देन पर्पस। तो समझ लो जैसे अब हॉस्पिटल की बात करो तो हॉस्पिटल एक पर्पस से बनाया गया है, क्या पर्पस है, पेशेंट का इलाज। अब वो कंडीशन में ये रख रहा है कि अगर हम वहां पे इलाज करवाने ना जाए किसी और पर्पस, ये कंडीशन, तब हम हॉस्पिटल के ऊपर क्या लगाएंगे, और ये कैसे हो सकता है वो भी समझ लो। मान लो मेरा भाई बीमार है, वो हॉस्पिटल में, मेरा भाई कुछ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मैं थोड़ी इलाज लेने जा रहा हूँ, मैं इलाज लेने भी नहीं जा रहा। तो अगर मैं अपने लिए बात करूँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ, तो मैं लगाऊंगा वहां पर आई एम, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरा भाई बीमार है और माई ब्रदर इज सिक एंड ही इज डूइंग गुड, तब आप हॉस्पिटल। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। मैंने भी आपको यही समझाया था कि भाई अगर पर्पस से जाएंगे तो द नहीं आएगा, अदर देन पर्पस जाएंगे तो द आएगा। स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो पर्पस से जा रहे हैं तो द नहीं आएगा। लेकिन अगर पर्पस से नहीं जा रहे पर्पस से, जैसे पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं, तो भाई स्कूल पेरेंट्स के लिए तो नहीं बना ना, तो वो अदर देन पर्पस जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं बच्चे से, ईद करने जा रहे हैं, टिफिन बॉक्स देने जा रहे हैं, तो यहाँ लगा लिया अदर देन पर्पस है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो फटाफट से। तो कह रहा भाई पेशेंट्स रिलेटिव्स, पेशेंट वर्ड तो आया है लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रिलेटिव्स, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे। भाई रिलेटिव्स हॉस्पिटल किस लिए है, या तो उसको देखने आए होंगे, या पेमेंट करने आए होंगे, या दवा लेने आए होंगे, है कि नहीं। इसलिए हॉस्पिटल से पहले दर आया, हॉस्पिटल का पर्पस कोई दवा लेना और मिलना नहीं होता, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट उसका का पेशेंट का रिलेटिव का नहीं है, टेंडर का। फिर अगला एग्जांपल, इंजर्ड हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, तो यहां पे कैंसिल आउट, क्यों, इंजर्ड है, घायल है। अब घायल है तो घायल के लिए हमारा हॉस्पिटल बना है, तो पर्पस से चले गए, पर्पस से चले गए तो दवा इस्तेमाल नहीं होगा। सेम एग्जाम्पल इज डाउन हियर, अगर आपको क्लियर चीजें नहीं हो रही हो से हो रही होंगी आई बिलीव सो, फिर भी अगर आपको लगता है कोई एक पॉइंट क्लियर नहीं हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो और हमसे पूछ इमीडिएटली आपको आंसर दे। नाउ दिस आगे पॉइंट क्या, तो आता है हमारा पॉइंट कमीशन,
फॉर्मेशन का मतलब समझते हो? मतलब वहां से वो चीज हमें हटा दे। फॉर्मेशन यहाँ पे आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नहीं आर्टिकल हटेगा यानी ये हट सकता है, एन हट सकता है और कहाँ कहाँ से हट सकता है, फटाफट से देख लेते हैं जरा। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है भैया मील वर्ड के पहले हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं। मील वर्ड क्या होते हैं? डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, सफर, ब्रंच। जिन्हें नहीं पता है हमसे कॉन्वर्सेशन, यानी आपको अ ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, आपको अ लंच नहीं बोलना है, अ डिनर नहीं बोलना है, ठीक है, द डिनर भी नहीं बोलना है। वो कैसे बोलेंगे आप बात देखेंगे। आप कह रहा है आई विल टेक द लंच विद माय फादर, मैंने मना किया है आपको लंच से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, अ ब्रेकफास्ट और वी हट गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, अ डिनर और हट गया आंसर। और अब आते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को लगता है जैसे हमने कभी कभी लंच पढ़ा हुआ या हमने कभी अ लंच भी पढ़ा हुआ, तो कैसे पढ़ा हुआ वो देखो या कैसे यूज कर सकते हो वो देखो। उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो रूल था वो रूल फॉलो नहीं हुआ, यानी कि इस बार हम ए या एन लगा सकते हैं, और अगर द लगा सकते हैं तो वो आगे बताएंगे तो कैसे बाद में देखेंगे, पहले ए और एन पे देख लेते हैं। भाई अगर आप ए और एन लगा रहे हो या द भी कभी लगाओगे इस सीन में, तो मील वर्ड के बाद क्या होगा? एक नाउन। कैसे? जैसे हमने कहा अ लंच बॉक्स, भाई लंच हमारा मील वर्ड हो गया, उससे पहले ए लगाया, वैसे तो गलत होता लेकिन लंच के बाद में क्या लगा दिया? बॉक्स वर्ड नाउन लगा दिया, तो हमारा सही होगा। फटाफट से एग्जांपल देख लीजिए, आपके सामने यही है, पंकज बॉटल लंच बॉक्स यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? इट्स अ डिनर टेबल, एक टेबल रखी थी हमारे यहाँ, किसी ने आकर के पूछा भैया ये कौन सी टेबल है, मैंने कहा डिनर टेबल। तो डिनर के बाद टेबल वर्ड हमारा नाउन, इसलिए हम डिनर से पहले जो ए लगा रखा है वो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं भाई कि किसी का प्लान था, यू हैड अ ब्रेकफास्ट प्लान, ब्रेकफास्ट के बाद प्लान वर्ड हमारा क्या? नाउन है, इसलिए ब्रेकफास्ट से पहले जो ए लिखा हुआ है वो क्या है? एकदम सही, एग्जैक्ट, करेक्ट। चलो भाई अब आते हैं कि अगर इस तरह का यूज आपको कहीं भी मिल जाए तो ये जो ग्रीन टी हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही है, आप इसको आंख बंद करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं द। अगर हम मील से पहले द लगाएं और मील के बाद नाउन न लगाएं, ए और एन के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि नाउन ना लगाएं, लेकिन द के केस में पॉसिबल है। वो कैसे? वो बताते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिनर की बात करें, किसी पर्टिकुलर लंच की बात करें, किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात करें, तो हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो कैसे। तो भाई कह रहा है कि जो कल ब्रेकफास्ट बना वो बहुत टेस्टी था, डिलीशियस, द ब्रेकफास्ट यस्टरडे, पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो गई हमारी, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम अगले एग्जाम्पल में देखें तो हम किस डिनर की बात कर रहे हैं? जो रंजना ने होस्ट किया, यानी कोई डिनर पार्टी दी होगी रंजना ने, तो उस डिनर की बात, और वो कैंसिल भी हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो द डिनर होस्टेड बाय रंजना हैज बीन कैंसिल्ड, यानी होस्ट करना था रंजना को, जो भी होस्टेड है ना वो कैंसिल हो गया। पर्टिकुलर डिनर की बात हो गई हमारी, स्पेशल डिनर की बात हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर आप ध्यान दो तो सेम इट इज, वो लंच जो आपने ऑफर किया हम वो हमेशा याद, हम पर्टिकुलर लंच की बात करें, स्पेशल लंच की बात करें, डन दिस। चलो भाई, और ये ऐसा स्पेशल वाला पर्टिकुलर वाला कहीं भी मिले आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही, अनलेस आप अपने स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं। अब आते हैं ओमिशन नंबर टू पे, यानी कि और कहां कहां द नहीं लगाना या ए और एन नहीं लगाना वो देख लीजिए। तो भाई अगर कभी आप सीजन की बात करें, भाई गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, यानी फिर समर और विंटर, तो आपको उसके पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। स्पोर्ट है, कोई गेम खेलते हैं आप, स्पोर्ट खेलते हैं, उसके पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई ए नहीं, कोई एन नहीं, कोई दो। जैसे कि कह रहा है इन द समर वी गो टू ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हम गर्मी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, तो समर हमारा क्या है? सीजन है, उसके पहले में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं, इसलिए द यहाँ से क्या हो गया? कैंसल आउट, मतलब हटा दिया गया। फिर वॉलीबॉल हमारा क्या है? स्पोर्ट है, तो उससे पहले हमने द का इस्तेमाल नहीं करना। अब विंटर की बात करो तो जैसे समर वैसे विंटर, फिर से हमें दाग क्या करना है? हटा देना है वहां से। और विराट कोहली के बारे में सब जानते हैं, क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट हमारा क्या है? स्पोर्ट,
उससे पहले भी हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात करते हैं कि सर क्या इसका भी एक्सेप्शन है? यस, इसका भी एक्सेप्शन, लेकिन वो कैसे? पिछले वाले से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। अगर आप उस सीजन या स्पोर्ट के बाद क्या लगा दें, एक नाउन लगा दें, तो आपका ए एन या द क्या हो जाएगा? सही हो। कैसे? अ क्रिकेट बॉल, भाई एक बॉल थी हमारे पास, लेकिन उस बॉल से हम क्रिकेट खेलते, उसको हम क्या बोलेंगे? अ क्रिकेट बॉल। तो फुटबॉल थोड़ी खेल सकते, अंदर तो क्रिकेट हमारा स्पोर्ट, उससे पहले ए आ गया, तो क्रिकेट बाद में क्या लगा हुआ था? बॉल वर्ड। इसलिए क्रिकेट के पहले ए क्या हो जाएगा? सही हो। चलो फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके। समर डे, वो देखो समर के बाद क्या लिखा हुआ है? डे लिखा हुआ, डे वर्ड हमारे क्या? इसलिए यहाँ पे जो ए आया वो क्या है? सही है। फिर इसमें कह रहा है वॉलीबॉल ग्राउंड, तो ग्राउंड वर्ड हमारा क्या है? नाउन है, इसलिए वॉलीबॉल से पहले दाद आया हुआ वो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं कि भाई विंटर नाइट, तो जैसे समर डे था वैसे विंटर नाइट हो गई, है कि नहीं? विंटर से पहले हमने क्या लगाया? एक विंटर के बाद क्या लगा हुआ है? नाइट बॉल। और ये लास्ट एग्जांपल हमारा, अभी हम लोगों ने क्रिकेट बॉल की बात की थी, एंड हियर इट इज, एंड दैट इज ऑल करेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह का कहीं आपको मिलता है कि आर्टिकल है, फिर सीजन या स्पोर्ट है, उसके बाद में नाउन लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज ऑलवेज करेक्ट। अगर आप बोलना चाहते हैं ही परचेज्ड क्रिकेट बैट, तो गलत हो जाएगा। अ क्रिकेट बैट से, या वन क्रिकेट बैट भी बोल सकते हो, अ क्रिकेट बैट से, अंदर क्योंकि क्रिकेट के बाद में क्या लिखा हुआ है? बैट वर्ड है नाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक्सरसाइज आ गई, और ये एक्सरसाइज आपने खुद से करना, कैसे आएगी वो सुन लो। तो पांच क्वेश्चंस आएंगे, और वो पांच क्वेश्चंस के बाद में हमारा क्या आएगा? उन्हीं के आंसर्स आएंगे। फिर पांच क्वेश्चंस आएंगे, फिर आंसर्स आएंगे, फिर पांच क्वेश्चंस आएंगे, फिर आंसर्स आएंगे, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस और उनके 15 आंसर्स। आपके जितने भी आंसर सही होते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और ये जरूर बताएं कि आपने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि आर्टिकल्स का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाएगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स है जो आगे आपको दूसरे वीडियो से रिलेट करते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स, या तो ए आएगा, या एन आएगा, या द आएगा, या एक्स भरेगा अगर कुछ किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने। तो ये 15 क्वेश्चन और 15 आंसर्स का जो सेशन था, आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी एक पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ है, आप ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज, और अपने मार्क्स जरूर ड्रॉप करें, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि हमारा आपको जो डिलीवर किया हुआ ये एजुकेशन पार्ट है वो कितना समझ में आ रहा है। प्लीज, और हाँ, कॉमेंट करें। अगर आपको कभी कोई क्वेरी होती है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हमारे पेज का लिंक आ रहा है या उसका जो भी आपको एड्रेस आ रहा है, आईडी आ रहा है। और प्लीज अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी वीडियोज मिलेंगे आपको जो बहुत आसानी से इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।